नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गालीबाज नेता और जनता, असल मुद्दे हुए दरकिनार। आइए जानते हैं आधुनिक पॉलिटिक्स की हकीकत। कुर्सी का पावर सिर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए नेता अपने भाषणों में गालियां देने से भी नहीं चूकते। देश के विकास, देश की आर्थिक स्थिति और देश की गरीबी, देश में अशिक्षा, इन सब मुद्दे पर बात करने के बजाय फिर वक्त वक्त हमारे नेताओं के पास बहुत सारी बातें हैं, वह अपने भाषणों के दौरान क्या कर रहे हैं। और जैसा कि एक दूसरे को गालियां देना, उन्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं है और न ही भय है कि उनके भाषण को देश की माताएं और बहनें देख रही हैं। उसके बावजूद वह ऐसा करने में नहीं हिचक रहे। भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की जनता घंटों लाइन में लगकर उन्हें वोट देने के लिए जाती है। नतीजा क्या निकलता है? अगले 5 साल तक वे नेता नहीं दिखाई देते, चाहे वह जीत जाए चाहे वह हार जाए। अगर आपको कोई काम उनसे होने वाला है तो उनके लिए आपको उनके दफ्तर के कई चक्कर काटने पड़ेंगे। आप इस बात को किसी से कह भी पाएंगे कि आपका काम नेताजी नहीं कर रहे या अब भी आपको समय नहीं दे रहे, क्योंकि आपको यह बात पता है कि उन्हें इस बात का पता चला तो आपका काम होने से रहा, काम और बिगड़ जाएगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी है। कुछ मामलों में नेताजी तक तो बात पहुँचती ही नहीं है, नीचे रह जाती है। नेताजी बीच में होते हैं, माने तो नेताजी चाय है और उनके कार्यकर्ता केतली है। आपको यह बात भली भांति पता होगी कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है और केतली के गर्म होने के बाद ही चाय गर्म होती है। मुझे आशा है आप अंदर की बात को समझ गए होंगे। इसलिए आग्रह है कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव में जमकर वोटिंग करें, लेकिन अपने प्रत्याशी की छवि का आकलन व्यक्तिगत तौर पर एक बार जरूर कर ले। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।